हेलो डियर माय फ्रेंड्स, देखो अभी का लॉज चल रहा है, राइट? अभी का इसको कैसे लगा है? इस तरह से लगाना पड़ेगा। अभी का जो है प्राइस देख रहा है, राइट? अभी इस साइड में कितना 250 रुपीज़ लॉज चल रहा है। देर इज द वन वन लॉट में हमने भेरी बड़ा बड़ा पोजीशन नहीं दिया, ये 400 लॉज दे रहा है, ये 200। तो एवरेज एनालाइज क्या था वो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक एक लॉट का दिखा रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि छोटा अकाउंट में बड़ा अकाउंट हम नहीं लिखाएंगे। तो ओवरऑल सीनरी क्या था, देखो एनालाइज क्या है, दिस द डे कैंडल, राइट? अगर जब आप एनालाइज समझो, ठीक है वाला इलाज हो रहा है, प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा वो मैं एक्सेप्ट करेंगे, कितना होगा वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, वन टाइम टू टाइम हमने ना एक होम फेस सॉरी यहाँ ले लेंगे, कहीं ना कहीं समझा करो। अभी क्या है, अभी ये जो है ये डेली कैंडल पे है, राइट? तो डेली कैंडल में वन टाइम टू यहाँ पे टाइम देखो, 1 2 3 4, राइट? जो भी देख रहा है ये हो सकता है यहाँ से एक ब्रेकआउट मिले, तो हमने वो ब्रेकआउट क्या करेंगे, नहीं देखेंगे। हो सकता है क्या हो सकता है, प्राइस क्या होता है, हो सकता है इस तरह से मूवमेंट आ जाए, नहीं तो इस तरह से बाउंस कर दे, जो होगा तो बाद में देखा जाएगा। मगर हमारा एनालाइज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वन डे का देख लिया, वन डे का देखेंगे कहीं ना कहीं एक अपर साइड का क्यों लग रहा है, तो एक दो ये हो सकता है एक रेड कैंडल बना ले, सीधा सीधा डब्लू बॉटम बना के ऊपर जा रहा है, तो हमने टाइम फ्रेम कहीं ना कहीं चेंज कर देंगे। अभी का टाइम फ्रेम अगर देखेंगे, ये हमारा ट्रेंड लाइन, राइट? यहाँ से प्राइस टच करके नीचे आ रहा है, तो अभी क्या है उसका लोअर लो कॉन्फर्मेशन के साथ हमने क्या किया, शॉर्ट के अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ऑन आवर टाइम फ्रेम में क्या होता है, अगर आप छोटा करके देखेंगे तो बार बार क्या होता है देखेंगे, ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे क्योंकि प्राइस का एक ज़्यादा दूर तक नहीं जाना, ठीक है? अभी यहाँ से मतलब अभी यहाँ आ गया, राइट? अभी यहाँ के वन टाइम टू टाइम थोड़ा सा छोटा कर लिया, क्योंकि स्ट्रक्चर इस तरह से देखना। अभी यहाँ अगर हम इन पे जाएंगे तो क्या होता है, एनालाइज के समझो, पहला बालाई लॉस होगा प्रॉफिट होगा वो वक्त ही बताएगा। तो क्या होता है, 1 2 3, राइट? फिर 4, फिर यहाँ से यहाँ, मतलब बार बार ये क्या, पहला लाइन यहाँ तक आया नहीं, सेकेंड लाइन क्या है इधर से देखो, वन टाइम, ठीक है? फिर ये टू टाइम, मतलब यहाँ से क्या होता है, वन टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं बाइंग होता है, यहाँ से लोअर लो भी होता है, तो प्राइस का स्ट्रक्चर ये कहीं ना कहीं अभी जो चल रहा है, एक इधर का दो, ठीक है? और कहीं ना कहीं हाँ, एक दो तीन चार जगह दिख रहा है। अभी वो हिसाब से हमने क्या कर रहा है, एक शॉर्टिंग साइड का पोजीशन बनाया है। हो सकता है ब्रेकआउट में ज़्यादातर गया नहीं, वन टाइम ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ से डाउनफॉल आया, फिर कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऊपर जाना बोले तो थोड़ा किटी के लग रहा है मेरे तरफ, अगर दिखता हो प्राइस एक्शन किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। तो अगर ऑनवर्ड से अगर हमने 15 मिनट्स के जो ऑनवर्ड टाइम फ्रेम में लेवल रख किया है, तो मैं उसको अगर 15 मिनट्स के कन्वर्ट कर दिया, राइट? तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन अगर हम इस तरह से आ गया, तो ये हमारा आज का लेवल क्या है, उसका लेवल है ये देखो, ये आज का हाई है, हमारा स्टॉप लॉस है, और ये ऑन और टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं टच किया, रूल से खोलने लगा 10 बजे, उसे नहीं किया, फिर क्या किया, अगर हम बाइंग करना है तो ये हमारा बाइंग पॉइंट है 43,333, ये बाइंग पॉइंट है, ठीक है? ऑन और टाइम फ्रेम का अंदर, तो ये अगर हम आज का जाएंगे तो ये अगर हम सेलिंग किया प्रॉफिट बुक करना है तो 40,500, अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो हम और होल्ड करेंगे, और अगर लॉस हुआ तो लॉस उतना ही लेंगे, 40,000 लॉस ब्लैक लाइन का 40,727 तक लॉस एक्सेप्ट करेंगे, कितना भी होगा एक्सेप्ट करेंगे। अगर अगर इंट्री कहाँ से बनाया था 40, तो रेड का जो ग्रीन कलर का है, तो 40,646 में हम इंट्री बनाया था, अभी चल रहा है 40,050, तो सॉरी 40,000 कितना चल रहा है अभी लाइव प्राइस देखेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ चल रहा है 40,600,
लिया जहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, हो सकता है प्रॉफिट देना रहे क्योंकि डेटा का ज़रा तो हम छोटा देखेंगे। तो और क्या क्या दिखा इसके अंदर, राइट? ये जो आज के लिए लेवल निकाला है इसमें क्या क्या चीज़ दिखा है मैं बता रहा हूँ। इसमें पहला तो आप लोग यहाँ पे जाएंगे तो पहला तो ये चार्ट एनालाइज कर लेना, उसके बाद आप ऑप्शन क्लिक्स में जाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और अलग चीज़ दिखाई देगा, ठीक है? अगर हमने देखेंगे तो, अरे यार माइक्रोफोन चेंजिंग, एक बार देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो कहीं ना कहीं। तो अगर हम बैंक निफ्टी का देखेंगे इंस्टेंस, तो इसमें क्या होता है कहीं ना कहीं, अगर कॉल राइट में ही ज़्यादा दिख रहा है, मतलब ये सब ऑप्शन सेल में भी उस तरह से दिख रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी में जाएंगे तो बैंक निफ्टी में जाएंगे तो अगर हमने बैंक निफ्टी का वाई देखेंगे तो इसका वाई क्या होता है, देखो इसका वाई हमने टेलीग्राम चैनल में देखा। अगर हम मेजर दूसरा वाई जाएंगे तो क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप अभी हो रहा है तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप अगर हमने इस वीक का लेंगे तो 40,600 मेजर एक वाई खड़ा है तो 40,700, ठीक है? तो ये दोनों स्टैक मेजर हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंट फेस करेगा। अगर ये दोनों भाग जाएगा तो हमने कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक पोजीशन स्क्वायर अप कर देंगे। अगर नीचे का लेवल देखेंगे तो 40,500 ये वेरी एक सपोर्ट है जो हमें देखना पड़ता है, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हमने कहीं ना कहीं ऑप्शन सेन थ्रू लेवल ड्रॉ किया है, राइट? तो अगर हमने देखेंगे तो क्या होता है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे मेजर चेंजिंग है पुट वाई। अरे यार कॉल को कहीं ना, अगर मेजर वाई क्या होता है कहीं ना, अभी अगर एक बार रिफ्रेश कर लेंगे तो हमको देखा जाएगा जो स्ट्रक्चर जो सब बन रहा है, तो देखेंगे क्या होता है। अगर पूरा चीज़ तो है डाउन साइड का, अगर अपसाइड होगा तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे लॉस एक्सेप्ट करेंगे, उसे कोई बात नहीं। तो पहला तो इस तरह से नहीं था, अभी तो मल्टीपल वाई चेंजिंग देख रहा है, दोनों साइड शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, इसका मतलब मार्केट का वॉलिटी ज़्यादा है। 40,700 इधर 2.9 मिलियंस, और अगर हम चेंजिंग वाई बात करेंगे 1.9 मिलियन, तो ये 40,600 एंड 700, ये दो स्ट्राइक बहुत रिस्पेक्ट करने के पड़ेगा क्योंकि 40,600 को कॉल राइट हो रहा है, 40,700 कॉल राइट हो रहा है। अगर इधर इधर भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं 40,500 एक सपोर्ट खड़ा है, 40,500 अगर टूटेगा तो कोई अच्छा खासा फॉल्ट दे सकता है। अब पता नहीं अगर ऊपर का नीचे, ये तो कोई बोल नहीं सकता है, इट्स आई थिंक इज 100%। तो हम अगर मेजर लॉन्ग देंगे तो यहाँ पे पता चलता है लॉन्ग बिल्ड अप हो रहा है, इसका मतलब 40,000 ऊपर साइड जा रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो पता नहीं, इस दूर का एक्स से अगर ऑप्शन चेंज देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन थ्रू मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आए वही है 40,600 700 और इधर 500। तो हमने पोजीशन बनाया चार देखते ही है, तभी क्या होता है पता नहीं। तो अगर ऑफर वाई है तो वाई है, यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी कॉल साइड से वाई ज़्यादा है। इस टाइम ऐसा नहीं था क्योंकि हमने अगर इसको काट करके टेलीग्राम का दिखाएंगे तो मेजरली क्या होता है, जब पोजीशन बनाया कुछ टाइम पहले तो इस तरह से था, अभी कहीं ना कहीं चेंजिंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज वाली बात है। देखो जब बनाया था तो इस तरह से था, अब पोजीशन पलटे है, तो इसीलिए बोलता हूँ पोजीशन अभी मुझे डाउट लग रहा है, प्रॉफिट होता नहीं लॉस होने का ज़्यादा डाउट लग रहा है। क्योंकि अगर हम देखेंगे ऑप्शन चेन भी इस तरह से था तो अभी कहीं ना कहीं बदल जा रहा है, तो आई थिंक 100% कुछ नहीं होता, थोड़ा वेट करेंगे, लॉस है तो एक्सेप्ट करेंगे, पार्ट ऑफ द गेम है। अगर इसका ऊपर जाता है तो थोड़ा देखेंगे स्क्वायर अप कर देंगे, ठीक है? तो 5 मिनट्स का चार्ट ले लेंगे, और जिस तरह से प्राइस बना रहा है तो लग रहा है तो ऊपर जाएगा, मगर लगने से कुछ नहीं होता, सब पलट सकता है 1 मिनट में, ठीक है? तो हमने होल्ड करेंगे, वेट करेंगे, क्या होता है देखेंगे, लॉस है एक्सेप्ट करेंगे, प्रॉफिट भी एक्सेप्ट करेंगे। तो नथिंग इज 100%, वही बोलता हूँ आप लोगों को, अभी प्रॉफिट लॉस है वो तो बाद में मैंने देख लेंगे, वीडियो को यहाँ ही मैंने क्लोज
क्लोज करना पसंद करेंगे, क्योंकि उतना टाइम मैंने होल्ड नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम बर्बाद करके फ़ायदा नहीं है। ठीक है, 77-200 तो हम चाहता हूँ ये साइड यूज हो जाए जो हमारा फ़ायदा उठ जाए, और नहीं तो यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेंड कंटिन्यू करें। अगर अपर साइड का कंटिन्यू करें तो लॉस ही लॉस है। तो देखता हूँ क्या होता है और वीडियो को यहाँ क्लोज करेंगे, जो होगा लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिख देंगे लॉस एंड प्रॉफिट। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।